क्या कभी WhatsApp पर आपने ऐसे मैसेजेस देखे? आपके फोन पर कई ग्रुप से ऐसे मैसेजेस आते हैं। अब ऐसे में किस पर करें विश्वास? कौन सा है सच, कौन सा है फेक? WhatsApp पर सेफ रहने के लिए चार स्टेप्स फॉलो करें। पहला, सेंडर कौन है? क्या आप उसे जानते हैं? क्या वो आपको जानता है? और क्या उसका परिचय मैसेज में शामिल है? दूसरा, इस मैसेज में क्या लिखा है? क्या इस मैसेज में गलत भाषा का उपयोग है? क्या ये मैसेज आपसे आपकी निजी डिटेल जानना चाहता है, या फिर ये मैसेज चाहता है कि आप इस मैसेज को 100 लोगों में शेयर करें? अगर हाँ, तो आप एक्शन लीजिए। ऊपर के तीन बटन्स को क्लिक करके इस सेंडर को ब्लॉक कीजिए, साथ ही इसको स्पैम श्रेणी में डाल के इस मैसेज को डिलीट करें। तीसरा, किसी भी आए मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये मैसेज आपको भेजा किसने है, क्या आप सेंडर को जानते हैं। और चौथा, इवैल्यूएट। बताए हुए सभी स्टेप्स का पालन करें और फिर सोचें कि आया हुआ मैसेज क्या विश्वसनीय था। अगर नहीं तो WhatsApp से मदद मांगिए। हेल्प बटन पर क्लिक करें और इस मैसेज को रिपोर्ट करें। WhatsApp पर सेफ रहने के लिए ये चार स्टेप्स। फेक न्यूज और गलत खबरों से लड़ने के लिए BBC हिंदी और WhatsApp की खास कोशिश।